बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा क्योंकि रात्रि भर जगा हूँ तो गले में बेस ज्यादा है। हेलो हेलो जी, हेलो। बहुत ही नया नबेला कलाकार हूँ, कलाकार भी नहीं हूँ। श्रद्धांजलि भी गाई गई, भजन भी गाए गए, कीर्तन भी गाए गए, लोक गीत भी गाए गए। क्या बात है। मंच पर कुछ महान हस्तियां कीर्तन जगत की उपस्थित हैं, जिनको बगैर अभिवादन के एक कार्यक्रम करना दंडनीय हो। मंच पर उपस्थित परमादरणीय सम्मानीय दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, जो मेरी नजर में यहाँ पे सबसे वरिष्ठ हैं, मैं नमन करता हूँ। आदरणीय दादा श्री राम सुरेश द्विवेदी जी, उनको भी नमन करता हूँ। और बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी और इस कार्यक्रम के आयोजक, उनको भी मैं नमन करता हूं। और जो भी लोग यहां उपस्थित हैं, यथोचित नमन वंदन करते हुए अपने बात को, और मैं भी श्रद्धांजलि का ही गीत, क्योंकि हमारी भैया से बात हुई 30 तारीख को यानी परसों, तो हमने कहा कुछ हमें आप बता दें, और ये कृपा है आप लोगों की इस कीर्तन जगत की, 4 पंक्तियां मैं भी जोड़ पाता हूँ। भैया नीलेश जी, बाल जरूर काले करा के आए हैं, इसलिए आपको उम्र का अंदाजा नहीं लगा। असलियत है कि बड़े भैया राम सुरेश द्विवेदी जी हमसे बड़े हैं और हम उनसे छोटे हैं। मैं इस दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। और गुरुवर अमर को श्री चरणों में ध्यान करते हुए और उन्हीं के शिष्य हमारे जो गुरु भाई हैं, उत्तर प्रदेश की धरती बाराबंकी, रामनगर बाराबंकी से इस मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय सम्मानीय श्री अरविंद सोनी उर्फ राज कमल खुरपेची जी को मैं नमन वंदन करता हूं। और ज्यादा बात ना करते हुए सीधे विषय पर चलता हूं। बहुत बढ़िया गीत एक बजा, कौन सा बता रहे, काहे परेशान हो, पूरा रात रोके हो, थोड़ा देर हमको भी तो दे। बहुत सुंदर गीत बजा, जिसके प्रथम लाइन को हमने इसके इस गीत में ले भी लिया है। वो जुदा क्या हुए, आए
बहुत कोशिश की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े कई गीत गाए, बहुत याद आए, बहुत याद आए। विद्वान जन उपस्थित जो भी हैं, ये पंक्तियां इस नाचीज की है जो सीधे से धुन भी नहीं गा पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आदरणीय दादाजी के विषय में है, चूंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है तो श्रद्धांजलि ही मुख्य होता है। दादाजी के प्रभाव से आपका परिचय करा रहा हूं। रात्रि भर आपने स्थानीय और बाहरी सभी लोगों से आपने सुना श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और गीत आदरणीय देवेंद्र भैया जी, लेकिन कुछ आपको दे के जाऊंगा, वादा है मेरा, आप कहेंगे कुछ दे के जाएंगे। जिम्मेदारी बड़ी होने की वजह से हो सकता है कुछ हड़बड़ाहट हो। करूं अर्पित सुमन श्रद्धा भाव से, परिचय हूं मैं कराता दादा के प्रभाव से, जन्म लिए मध्य प्रदेश में, जन्म लिए मध्य प्रदेश में, हृदय जिसको कहते भारत भूमि का मध्य प्रदेश देश का हृदय है, जन्म लिए मध्य प्रदेश में, हृदय जिसको कहते। अब आ जाइए, 14 अगस्त तिथि दसवीं, 14 अगस्त तिथि दसवीं। देखिए 14 अगस्त 1948 सबको मालूम है दादा का जन्म तिथि है, लेकिन वो तिथि जो थी विक्रमी संवत के हिसाब से दसवीं तिथि थी और शुक्ल पक्ष था। क्या बात, 14 अगस्त तिथि दसवीं, दसवीं सुहाए, शुक्ल पक्ष आए, उनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ। शुक्ल पक्ष आए कीर्ति फैलाए, शुक्ल पक्ष आए कीर्ति फैलाए, जब याद आए बहुत याद आए। आइए दूसरी भी दूसरी बात सुनिएगा। सम्मत तो 1006 था, क्योंकि अगस्त था, अगर ये चैत प्रतिपदा के आगे होता तो 2005 होता। सम्मत 2006 दिन शनिवार था,
अगर मैं सही हूं तो तालियां बजनी चाहिए, अगर दिन शनिवार है तो तालियां बजनी चाहिए। सम्मत 2006 दिन शनिवार था, छाई खुशियां था, हर स्थिति परिवार था, विधा चुन कीर्तन की। जवाबी कीर्तन उन्हें गाया, लेकिन गाया क्या फिर? विधा चुनी कीर्तन की विषय पथ गाते। दादा ये विषय बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग में मेरे समझ में जो आया मैं इस गीत में लिख रहा हूं। विषय पथ कीर्तन विधा चुनी कीर्तन की विषय पथ गाते। विषय पथ जवाबी गाते थे ज्यादातर दादा, क्या बात। मेन उनका जो पसंदीदा सब्जेक्ट था वो विषय पथ था। विधा चुनी कीर्तन की विषय पथ गाते, और गुरुवर रस रंग जिनके मन को वो भाए, सानी न उनका कोई बात हम बताए, सानी न उनका कोई बात हम बताए, सानी न उनका कोई बात हम बताए। आइए तीसरी बात, तिथि नामी की थी तीन सोमवार था, क्या बात है, भगवान राम भी शुक्ल पक्ष में आए थे तो अपना अपने पराक्रम से पूरे देश को उन्होंने प्रकाशित किया। उसी तरह दादा शुक्ल पक्ष में आए और देखिए जा किस पक्ष में रहे, कृष्ण पक्ष में, और तिथि देखिए दशमी को आए हैं और नवमी में जा रहे हैं। कैसे? तिथि नवमी की थी तीन सोमवार था, और हास्यम का चला घातक वो वार था, नौमी की तिथि कृष्ण पक्ष था, दिन सोमवार था, और बुलाव आ गया किसका? जिसके पास सभी जाते हैं, भूत भवन भोलेनाथ। बुलावा हुआ दादा का, बुलावा हुआ दादा का शिवलोक धाम में। शनि के गुरु भी शिव हैं, और सोमवार में अगर दादा का बुलावा आया है वो शिवलोक को गए हैं। बुलावा हुआ दादा का शिवलोक धाम में, पुण्य आत्मा दिव्य, पुण्य आत्मा थी, ये भैया श्री अशोक तिवारी जी की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं इस नाचीज पर, इन सत्तों पर प्रसन्न होकर भैया ने दिया है। बाबा बागेश्वर नाथ आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए, बुलावा हुआ दादा का शिवलोक धाम में, और
वो पुण्य आत्मा किसकी? दादा की। पुण्य आत्मा दिव्य पुंज में समाए, ये ज्वाला जी में रोए। ये ज्वाला जो गा रहा है और ये जगत, जगत जी में रोए कहे भी न पाए, और वो जब याद आए, बहुत याद आए, अंतिम बात पुत्र दे जो बीज बोया दादा ने, पुत्र दे पेंद्र उनके ही पद चिन्ह पर, सेवा कीर्तन की करते हैं भाव रख कर। बड़े भैया अच्छा नहीं लग रहा, आप दिख नहीं रहोगे, एकदम पीछे ही रहेंगे आप। क्या पुत्र दे चिन्ह पर सेवा कीर्तन की करते हैं भाव रख कर, हर वर्ष श्रद्धा से वो, हा हर वर्ष श्रद्धा से वो श्रद्धांजलि मनाते, मैया दीन दादा को हम कैसे भुलाए, नमन दादा को करें शीश हम झुकाए, नमन दादा को करें शीश हम झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैया ज्वाला जी। एक बात तालियां जो